मगही बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्या लगता है आशीष यादव जी का मतलब टक्कर कौन देने वाले हैं मगही में, कौन सा सिंगर थोड़ा बताइए। मगही में क्या हमको लगता है भोजपुरी में कोई टक्कर देने वाला सिंगर नहीं, जो एक नंबर पे पूरे भारत में जो आदमी यूट्यूब पे इंस्टा पे बज रहा है चल रहा है उसमें टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं आज, कोई नहीं है आज के पूरे भारत में। हमको लगता है कि मगही जो आशीष जी गाए हैं, जो प्यार आशीर्वाद देते हैं, कभी भी सुनते हैं लगता है ये गाना पुराना होगा ही नहीं, इतना प्यारा से वो गाए हैं, इतना अच्छा शब्द का उसमें चयन है और इतना मतलब मजबूत गाना बना हुआ है, वीडियो क्वालिटी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा से वो गाए हैं, हर एक चीज़ उस गाने में लाजवाब है और जनता प्यार दे रही है। सर क्या कुछ कहना चाहिएगा, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव इतने बड़े सुपरस्टार गाए हैं आपका लिखा हुआ धुन को, लेकिन सुनने में आ रहा है कि धुन 2 साल पहले भी गाए थे खेसारी सर हैं। ये पारंपरिक धुन है और खेसारी भैया इस धुन पे गाए हैं तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, उनको ये गाना अच्छा लगा होगा, ये धुन अच्छा लगा होगा। आपकी तरफ से कुछ आरोप रोप? नहीं नहीं, अरे वो बड़े भाई, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो तो भोजपुरी जगत के सिरमौर हैं, वो विताज बादशाह हैं, वो सब उनके लिए कुछ बोल सकते हैं। खेसारी लाल यादव जी गाना गाए हैं या फिर धुन गाए हैं या उन इससे पहले भी उनका या फिर धुन आया है, लग रहा है कि 2 साल पहले एक गाना उनका भी आया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव इनका धुन चोरी करके गा दिए हैं, क्या सोचा है? अरे कहने वाला तो बहुत कुछ कहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेन तो आपका चैनल का जनता तो जनता तो देख रही है ना, प्यार आशीर्वाद जो गाना को आशीष गाए उसी पे तो प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके बाद ही खेसारी भाई को ये गाना गाए, खेसारी यादव जी गाना गाए ये मायने रखता है, उसके बाद टोटल जितने कलाकार हैं भोजपुरी मगही के लमसम सभी लोग गाए, सभी लोग कॉपी किए, लेकिन जो आशीष मेरा भाई गाया है उसका कॉपी नहीं हो सकता और वो किसी का कॉपी है ही नहीं। और मिनी इंटरटेनमेंट तो आप लोग जानते ही होंगे, इस साल का सबसे बड़ा गाना यारवा हो भरती पटनवा में सुपरस्टार आशीष यादव जी के गाना था और बहुत ज्यादा ब्लास्ट किया है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस धुन पे खेसारी लाल यादव जी भी गाना गाए हैं, क्या सच्चाई है? बातचीत करने के लिए अमन अनबेला भैया हैं, मिनी एंटरटेनमेंट के ओनर भैया हैं और नंदन भैया हैं, स्वागत है भैया। आप सभी को, जितने दर्शक लोग देख रहे हैं पुजारी न्यूज, मेरे तरफ से सभी को प्रणाम नमस्कार। इतना बड़ा गाना आपका चैनल से आया है और काफी सारा प्यार मिला है, पहले तो दर्शक को क्या कुछ बोलना चाहिए? दर्शक को क्या बोलना चाहेंगे, क्या इतना प्यार दिए बहुत अच्छा लगा और पूरे इंडिया में एक नंबर पे यूट्यूब पे चला और इंस्टाग्राम पे चला, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मगही भाषा को इतने ऊपर लेवल पे गया, ये बहुत खुशी हुआ। और हमारे बड़े भाई अमन अनबेला जी ये गाना लिखे और ये गाना में बहुत मेहनत किए, बहुत अच्छा से लिखे और बहुत ही प्यार आशीर्वाद दिए सभी जनता लोग। अच्छा भैया, इस गाना में कितना खर्चा किए थे और कितना कमाए हैं, थोड़ा खुलासा कीजिए। अरे खर्चा से भी ज्यादा खुशी है कि एक नंबर पे पूरे भारत में ट्रेंड किया यूट्यूब पे, हाँ पूरे वर्ल्ड में भी 4 नंबर 5 नंबर पे रहा पूरे वर्ल्ड में, ये बहुत बड़ी बात है, ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलता है इस बात को सोचकर कि मेरा कंपनी का गाना पूरे भारत में ट्रेंड किया एक नंबर पे यूट्यूब पे इंस्टा पे, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा भाई आशीष यादव जो कि मगही के ट्रेंडिंग स्टार है, आज वो भाई का गाना इतना लेवल पे गया, इतना लेवल, इससे बड़ा ज्यादा खुशी क्या मिल सकता है, पैसा क्या है, पैसा कोई मायने नहीं। खेसारी लाल यादव जी गाना गाए हैं या फिर धुन गाए हैं या उन इससे पहले भी उनका या फिर धुन आया है, लग रहा है कि 2 साल पहले एक गाना उनका भी आया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव इनका धुन चोरी करके गा दिए हैं, क्या सोचा है? अरे कहने वाला तो बहुत कुछ कहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेन तो आपका चैनल का जनता तो जनता तो देख रही है ना, प्यार आशीर्वाद जो गाना को आशीष गाए उसी पे तो प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके बाद ही खेसारी भाई को ये गाना गाए, खेसारी यादव जी गाना गाए ये मायने रखता है, उसके बाद टोटल जितने कलाकार हैं भोजपुरी मगही के लमसम सभी लोग गाए, सभी लोग कॉपी किए, लेकिन जो आशीष मेरा भाई गाया है उसका कॉपी नहीं हो सकता और वो किसी का कॉपी है ही नहीं। अच्छा भैया, अब मगही के एक लेवल बन गया है और मगही बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्या लगता है आशीष यादव जी का मतलब टक्कर कौन देने वाले हैं मगही में, कौन सा सिंगर, थोड़ा बताइए। मगही में क्या हमको लगता है भोजपुरी में कोई टक्कर देने वाला सिंगर नहीं, जो एक नंबर पे पूरे भारत में जो आदमी यूट्यूब पे इंस्टा पे बज रहा है चल रहा है उसमें टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं, आज कोई नहीं है आज के पूरे भारत में। हमको लगता है कि मगही जो आशीष जी गाए हैं, जो प्यार आशीर्वाद देते हैं, कभी भी सुनते हैं लगता है ये गाना पुराना होगा ही नहीं, इतना प्यारा से वो गाए हैं, इतना अच्छा शब्द का उसमें चयन है
और इतना मतलब मजबूत गाना बना हुआ है, वीडियो क्वालिटी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा से उगाए हैं, हर एक चीज़ उस गाने में लाजवाब है और जनता प्यार दे रही है। आज सावन का शूटिंग चल रहा है, फिर से आपका चैनल से बवाल गाना आएगा, लेकिन किस प्रकार से, वही धुन में या दूसरा प्रकार से? नहीं, गाना आएगा तो देखिएगा आप लोग, धुन तो वही है, लेकिन ये गाना भी कुछ मुझे लगता है कि बोलबम का 2024 का बोलबम का सुपरहिट गाना है, पारंपरिक गाना है। अमन भैया लिखे हैं इस गाने को, जितने ये मेहनत करके इसकी भी गाना बनाए हैं बोलबम, कि शनिवार को ये गाना रिलीज होगा और मुझे लगता है कि बोलबम के रास्ते में ये गाना बहुत बजने वाला है, बहुत प्यार आशीर्वाद मिलेगा इस गाने। अच्छा, अब अमन भैया से कुछ बात होगा, जो पटनवा वाला गाना के राइटर हैं, स्वागत है भैया। धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत अच्छे। बहुत बवाल मचा दिए हैं, तो पब्लिक का प्यार है, ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन बहुत सारा राइटर का पता भी काट रहे हैं। नहीं, हमारा कभी किसी से कंपटीशन ही नहीं रहा है, हम कभी किसी से तुलना ही नहीं करते जीवन में। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब से अमन अनबेला जी आए हैं तो आशीष यादव का जितना राइटर है सबको पता काट रहे हैं। कभी नहीं, कोई नहीं, क्योंकि सब अपने भाग नसीब से होता है, सब अपना किस्मत खुद लेके आता है, और जो नहीं लेके आता है वो अपने कर्मों से, अपने मेहनत से अपना नसीब लिखता है। हम तो बस छोटा मोटा कोशिश करते हैं, ये मेरा सपना था कि मगही में गाना क्यों नहीं आता है, और मगही आज यहाँ तक है, तो बहुत मेहनत किए हैं जीवन में, जितना हमसे हो पाया आज भी कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिएगा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, इतने बड़े सुपरस्टार गाए हैं आपका लिखा हुआ धुन को, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये धुन 2 साल पहले भी गाए थे खेसारी सर हैं। ये पारंपरिक धुन है और खेसारी भैया इस धुन पे गाए तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, उनको ये गाना अच्छा लगा होगा, ये धुन अच्छा लगा होगा। आपकी तरफ से कुछ आरोप रोप? नहीं नहीं, अरे वो बड़े भाई, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो तो भोजपुरी जगत के सिरमौर हैं, वो विताज बादशाह हैं, वो सब उनके लिए कुछ बोल सकते हैं। आगे कुछ क्या सोचे हैं बवाल करने के लिए? बवाल तो होता ही रहेगा, हर राइटर सोचता है, हर सिंगर सोचता है कि अच्छा लिखें, अच्छा हो, तो ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है, प्यार है कि भारत में 1 नंबर पर ट्रेंड करे मेरा गाना और मगही भाषा में हो, तो ये मगध वासियों के लिए, मगही भाषियों के लिए गौरव की बात है। ये इतना बवाल बवाल गाना देते हैं, 100 मिलियन 50 मिलियन एक महीना व्यू चल जाता है भैया, कहीं ना कहीं गिफ्ट कुछ मिलता है कि सिर्फ 5,000 10,000 यही 5,000 रेट में रह जाते हैं? मालिक सामने है, क्या गिफ्ट देते हैं? बहुत ही जल्द वो रखा गया है कार्यक्रम होगा और उसमें भी जबरदस्त कार्यक्रम होगा, वो बताना नहीं है अभी। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, गिफ्ट जब आएगा तब आप लोग मीडिया लोग आइएगा और उस गिफ्ट को दिखाइएगा कैसा है मेरा गिफ्ट, और मेरी टीम को जो भी है, वो राइटर है मेरे भाई, चाहे सिंगर हैं चाहे और लोग हैं, सभी लोग को गिफ्ट दिया जाएगा, मेरे तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रखा जाएगा उसमें, और सभी मीडिया बंधु लोग भी आएंगे, सारा व्यवस्था किया जाएगा, मैं जल्दी बताऊंगा। अभी हमारे साथ में आशीष यादव जी का प्रोड्यूसर थे और राइटर थे, और बहुत बवाल तरीके से सावन में गाना ला रहे हैं उसी धुन पे। आप लोग का वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।